और जिस प्रकार से 2022 को देखा जाए तो सभी जगह 286 टहल का बचाया है और आज देखा जाए तो कौशंबी हार जाए तो गम नहीं, बिल्कुल फाइनल मुकाबला की तरह होगा ये मैच तो कहा जाए तो गुस्सा के तमाम दर्शक भी जाते हैं और दो टीमों के खिलाड़ी जाते हैं क्योंकि ये कहा जाए तो दूसरे चक्कर का करो लेकिन गौतम नजर नहीं आ रहा है कुछ आपसे देखा जाए तो वीर के हथे गौतम निजी को देखा जाए तो और छोटू राजा और वही देखा जाए तो ठाकुर का बाजा आएगा बाजा देखना होगा सभी दर्शकों को कितना सारा उतर पाता है देखना होगा सभी दर्शक जानते हैं काफी अहम मुकाबला है कांटे का मुकाबला और समय देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए 10-10 मिनटों का समय है तो समय को भी ध्यान देना होगा 286 और पर नहीं और भी दर्शक पर है देखा जाए तो गुसाम जी इसी को देखा जाए तो सही बात है लेकिन गौतम ऋषि है भैया ये तो किसी से कम नहीं बताते ये भी किसी से ताकत खिलाड़ी है जिसकी लंबाई का भरपूर फायदा रेने वाही है लेकिन सामने है देखा जाए तो राजा छोटू निश्चित ही देखा जाए तो ठाकुर ये राजा खेल होता हुआ देखा जाए तो वही एक बार फिर 786 एमपी होता हुआ खाता खोलना होगा 786 को अभी भी देखा जाए तो शुरुआत करके बताना होगा और
कास के पत्ते की तरह बिखेरने की कोशिश करता हुआ ठाकुर देखा जाए तो प्रसाद जी। सही बात है, पर देखा जाए तो अभी भी रीढ़ की हड्डी गौतम ऋषि बाकी है, बलराम का जादू बाकी है बनारसी जी। पर ठाकुर जानते हैं यह प्रकार से दस दस घंटों को समय तो समय को धैर्य से युद्ध के साथ खेलना होगा। पर देखा जाए तो पहले टाइम आउट डर नहीं बिल्कुल कहा जाए तो प्रसाद जी फाइनल मुकाबला की तरह है। उसी को कहा जाए तो जो हारेगा वो सिकंदर कहलाया जाएगा और जो जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा और जो हारेगा ऋषि प्रसाद जी रस्सी के बाहर चला जाएगा और घर के अंदर चला जाएगा। ये तो तय है, सही बात है। यह विजय गौतम ऋषि काफी माहिर खिलाड़ी है बरसों 786 के लिए। पर देखा जाए तो अभी भी देखा जाए तो बरसों 786 के गौतम का ऋषि का जादू देखने को नहीं मिल रहा है, बलराम का जादू बाकी है। पर यह देखा जाए तो छुपा रुस्तम ठाकुर का जादू चालू है बनारसी जी, बिल्कुल ठाकुर का जारी है देखा जाए तो बढ़ने के लिए, लेकिन काबू में लेना होगा निश्चित ही ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। और अरविंद जैसे बैठे हैं खिलाड़ी, सत्येंद्र जैसे बैठे हैं खिलाड़ी और नारायण जैसे खिलाड़ी बैठे हैं, उनको वापस खिलाना होगा तभी बात बनेगा 200-786 के लिए। नहीं तो ठाकुर देखा जाए तो प्रसाद जी एक तरफा बना देगा और फरनाई को झील के दहलीज पर ले जाकर दिखा देगा। सही बात है, टच पॉइंट को ज्यादा किया है, दुवंदाई को खतरा टाला है ठाकुर। अब देखा जाए तो और वह ज्यादा जानते हैं किसी प्रकार से गलती नहीं करना होगा, सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। पर यह खिलाड़ी काफी ठाकुर को निशाना चाहता है गलती कर बैठे। स्कोर बोर्ड में देखा जाए तो 2-5 ठाकुर ऐसे खिलाड़ी है प्रसाद जी, ईमानदारी का काफी पक्ष देते हैं, हमने देखा है ढेर और संयम है उनके पास और जब भी टच होते हैं तो किसी तरह से देखा जाए तो खुद में खुद निकल जाते हैं और खुद खुद एहसास कर लेते हैं। लेकिन अब इस बार चकरेंगे अरविंद आए हैं, लेकिन देखना होगा छोटू ये भी किसी से गप नहीं प्रसाद जी, हार जाए तो कोई गप नहीं। पांच दो के मामले और बनता हुआ परमई का 5 और बसे 786 का 2। सही बात है, अभी भी देखा जाए तो कस्बे कस मुकाबला कांटे का मुकाबला फाइनल मुकाबला देखा जाए तो दोनों ही टीमों के बीच कड़ा मुकाबला अहम मुकाबला परसों 786 देखा जाए तो सभी सपोर्ट ठाकुर जी के घर से देखा जाए तो पुनः मैदान में आया है और वही देखा जाए तो सुपर टेकल वन है ठाकुर के लिए, सुपर टेकल से बचना होगा और 286 को देखा जाए तो सुपर टेकल का फायदा लेना होगा बनारसी जी। सर बात है, देखा जाए तो सुपर टेकल का फायदा उठाना होगा 36 को और उसे देखा जाए तो गौतम को अरविंद को निश्चित ही देखना होगा, सुपर टेकल का फायदा उठाना है और 2 अंक कमाना है और भी नजदीक आना है तो रिटीन पहुंच कर बता रहा होगा ठाकुर को लेकर। देखो प्रसाद जी इस बार देखा जाए तो गौतम बाहर जाता हुआ और 36 रन करने के लिए आता हुआ बच्चों 486 के लिए। सही बात है, क्या वाला जो आपको दिखाया है ठाकुर बाकी जानते हैं प्रवासी जी। 2017 27 मार्च 2022 को विधायक और कबड्डी प्रतियोगिता में यही टीम जो है फाइनल विजेता और यही टीम देखा जाए तो विजेता क्या करेंगे प्रवासी जी, इसी के लिए कंटेंडर हुए 27 मार्च 2022 को। सही बात है, देखा जाए तो किसी को देखा जाए तो उप विजेता और विजेता के बीच में चलता हुआ ये मैदान बदल गया है प्रसाद जी देखा जाए तो, लेकिन टीम वही है और देखा जाए तो मैदान कौशल देखा है और वो टीम वही बरनई बनाम बसे 786 क्या करेंगे देखना होगा। 37 अरविंद इसी भी देखा जाए तो एक लेफ्ट कॉर्नर को दबाता हुआ और एक तरफा बनाने की भरपूर कोशिश करता हुआ, लेकिन देखा जाए तो एक पॉइंट दबाता हुआ अभी भी बरसों 786। सही बात है, क्या ईमानदारी को परिचय दिया है, 1 पॉइंट लिया है भैया, किसी प्रकार से देखा जाए तो एयरपोर्ट के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं दिया है ठाकुर, वो जानते हैं काफी ईमानदारी का परिचय देते हैं बनारसी जी, इसी को तो कहते हैं न गरीबी न अमीरी सबसे पहले ईमानदारी। और क्या ईमानदारी का परिचय दिखाया है ठाकुर, जाने जाते हैं प्रसाद जी, ये तो दो बात की बात ही नहीं है कहा जाए तो ठाकुर जाने जाते हैं जी जी ईमानदारी के परिचय देने के लिए माहिर खिलाड़ी और इसीलिए तो देखा जाए तो डिंडोरी जिले का सुपर स्टार खिलाड़ी देखा जाए तो ठाकुर। तो 11 तो अब कुछ गैर बदलना होगा गौतम ऋषि को देखा जाए तो गौतम ऋषि को कुछ गैर बदलना होगा, जादू चलाना होगा कहीं देखा जाए तो, अभी भी देखा जाए तो नारायण का जादू देखने को मिले, बलराम का जादू बाकी है पर कुछ करना होगा धीरे धीरे देखा जाए तो पटरी से बाहर जाता है। अभी भी काफी समय है 10-10 मिनटों का खेल है, भैरव सैयद के साथ खेलना होगा बरल बनाम 286। इसके बाद किसका मुकाबला होगा धनिक कल्याण हम तक सूची पहुंचा है, इसके बाद किसका मुकाबला होगा उनको भी अवगत करवाना है और तैयारी बनाकर जल्दी से जल्दी मैदान पर बुलाना है, लेकिन क्या करेंगे देखना होगा ठाकुर। निश्चित रूप से जी एक लौटता है एक ऐसे खिलाड़ी है बरनई के लिए कुछ भी कर सकते हैं देखा जाए तो, सामने वाली टीम के लिए देखना होगा सर लेफ्ट कॉर्नर को दबा रहा है राइट कॉर्नर से जगह लेकर आएगा नारायण बलराम क्या देखकर दिखाएंगे एंट्री नहीं होता हुआ करने का इस बार। सर बात है, पर पहली बार देखा जाए तो नारायण चलो सही बात है, क्या सपोर्ट देखा जाए तो सभी खिलाड़ी के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट देता है पर नहीं अगर देखा जाए तो नारायण ये भी काफी माहिर खिलाड़ी है बराजी जी, और देखा जाए तो पॉइंट लेके जाना है पिछड़ता है 786 और मजबूत दीवार बनाया है पर नहीं
क्या लाभ है आप जी को देखा जाए तो बरनाई जितनी भी तारीफ की जाए इतनी कम है। और यहाँ पर बसो 786 को जिस तरह से 2000 व्यक्ति सभी जगह तहलका मचाया है, लेकिन ये भी तहलका मचाने के लिए ये भी तैयार रहेंगे कुछ संदेश के बाद केलारी सी खेतगांव कुछ भी बाकी है तो ज्यादा गलती नहीं करे वो जानते हैं, छोटी जानते हैं काफी अनुभव खिलाड़ी में छोटा रोस्टम है। और जिस प्रकार से पथरिया में 2022 में एक ही रेट में देखा जाए तो ये खिलाड़ी 6 पॉइंट लिया था बनवासी जी, बाकी में देखा जाए तो 6 पॉइंट लिया था, निश्चित देखना होगा लेकिन आसान नहीं होगा। के लिए तो खाई सामने में देखे थे बरनाई का भाई क्या करेंगे, लेकिन वाकफ की लगाना चाहते थे लेकिन सपोर्ट निश्चित को शांति मजबूत विश्वास खाता हुआ और 12-2 की बात दौड़ बढ़ाता हुआ। सही बात अगर देखा जाए तो राजा बरनाई में फंसा हुआ तो राजा के लिए अच्छा मौका, बोनस ऑन है बरवासी जी, बोनस पॉइंट ये टच पॉइंट है सुपर पॉइंट, अभी भी देखा जाए तो राजा चले बोनस पॉइंट की जहर है देखा जाए तो सही बात है देखा जाए तो बोनस देखना होगा। विजय साहब से रोज प्रश्न थोड़ा हमें भी 2 मिनट के लिए आराम दें। तो उसके बाद जो मुकाबला होगा केलारी वर्सेस खेतगांव, एक तरफ देखा जाए तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ देखा जाए तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, कांटे का मुकाबला वो भी अहम मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ठाकुर चले काफी सांसद भाई के खिलाड़ी हैं, काफी ईमानदारी को परिचय देते हैं बरवासी जी। ठाकुर अभी भी देखा जाए तो वर्सेस गौतम ऋषि, कुछ पसीना बहाना है तो कुछ मेहनत करना होगा। अभी भी देखा जाए तो गौतम का जादू देखने को नहीं मिला बरवासी जी, जिस प्रकार से सभी जगह अभी भी मजबूत दीवार बनाया है बरने छोटे जिस प्रकार से सेंटर से काफी मजबूत दीवार बनाया बना के रखा है बरने साथ साथ डिफेंडर के साथ बोला सही है गौतम ऋषि ने देखा जाए तो सभी से बहुत फायदा को बाहर जाना होगा। चलिए अच्छा वापसी के हम बरने धमाकेदार छोटी चले 5 डिफेंडर के साथ बोनस नहीं मिलेगा, बोनस जानते हैं छोटे बोनस 6-7 के बीच मिलता है छोटों के लिए देखा जाए बनवासी जी को 25 सुपर पॉइंट मिला जाए फल बनाई 14-2। सर बातें देखा जाए तो पिछड़ता हुआ देखा जाए तो इस खेल में देखा जाए तो प्रदर्शन होगा केलारी भी और वही देखा जाए तो खेलगांव राजा के लिए देखा जाए तो बोनस नहीं मिलेगा, राजा जानते हैं बोनस नहीं मिलेगा, बोनस 6-7 के बीच मिलता है 30 सेकंड के पहले देखा जाए तो पॉइंट लेके जाना होगा सुपर पॉइंट या टच पॉइंट। अभी भी देखा जाए तो कसमे का जारी है राजा जानते हैं कि बोनस, अभी भी देखा जाए तो राजा आप क्या कहिए बरासी जी। सही बात है देखा जाए तो पहली बार राजा को देखा जाए तो बेनबाइल में फायदा मिल रहा है सुपर रेट क्या कहिए बरासी जी, सुपर रेट क्या कमाल कर रहे थे कमाल कर बैठे और बसों 786 को बाहर कर बैठे। निश्चित ही देखा जाए तो 17-2 की बात गौर भाई अगर भी देखा जाए तो इतना बड़ा टीम देखा पड़ रहा है बसों 786 के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और बने वो टैग मैच कर और बहुत दीवार को गिरा कर दिखाता हुआ बसों 786 को घबराता हुआ। सही बात है ठाकुर जानते हैं कि उधर टॉप लगाना होगा 90 को स्पीड पर होना होगा बसों 786 को दूसरे फाइनल बनना है कि बताना पड़ेगा और सुबह से सुबह रेट करके दिखाना पड़ेगा। सही बात है ये तो रबिया काफी लंबे का खिलाड़ी है, ये भी बरवासी जी डुबंडाई का माहिर खिलाड़ी है छोटा रोस्टम है काफी डुबकी लगाते हैं पर देखा जाए तो लंबा हाथ पैर है। अभी भी देखा जाए तो कसमे कसमे का बड़ा देखा जाए तो बरसों से ऐसे चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लंबे का खिलाड़ी है लंबा हाथ पैर उसी का फायदा मिला है बरने से देखा जाए। सही बात है उसी का फायदा मिला है लेकिन गोटे रोटम का न चलना और भिंड का न चलना निश्चित ही देखा जाए तो एक बार तो गलती करता हुआ बरनई के खिलाड़ी लेकिन ठाकुर ये तो गोटम का इच्छा है और देखा जाए तो बरनई के लिए काफी बड़ा सिक्का है पिसाब जी ठाकुर। सही बात है पर अभी भी देखा जाए तो बरसों के लिए मौका सुनहरा मौका है जिस प्रकार से काफी विकास किया है चाहे काफी पीछे है तो बरने के लिए अच्छा मौका है बनवासी यदि भी इस टूर्नामेंट से बाहर होता है तो किसी ने पिंडे के लिए उनका जैसे खाली है वहां भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बरसों 786 को। सही बात है देखा जाए तो हम ये गलती कर रहे थे इस बात ठाकुर से गलती होता हुआ नीति के हिसाब से रफ्तार था लेकिन देखा जाए तो गौतम बुद्ध इस बार को अंक में लेने में कोई कंजूसी नहीं दिखाता हुआ एक बार में एक जवाब में पत्थर से देता हुआ क्या है 6-6 की बार दौर बन चुका है और बरनई देखा जाए तो जान चुका है बरसों 786 पर जान चुका है।
से बैठा करिए है गौतम ऋषि के भैया चारों तरफ से खदेड़ता है पर देखा जाए तो भी सभी से बैठे नीचे से देखा जाए तो बनने के लिए अकेले से बैठ कर बताता हुआ ना जो आप गौतम को बाहर करके दिखाता हुआ से बैठे छोटे अभी भी देखा जाए तो खैर संयम से खेल रहे जानते हैं बराशी जी काफी आगे निकल चुका है और समय भी धीरे धीरे कम है तो किसी प्रकार से देखा जाए तो छोटे भेजने में अच्छा खिलाड़ी अच्छा अनुभव बराशी जी सही बात है अच्छा अनुभव और तजुर्बा को दिखाता हुआ लेकिन बताना होगा बलराम को दिखाना होगा और लेकिन भी अपने पूरी तरह से चार में उछाना होगा लेकिन बलराम जाने के लिए तैयार होता हुआ रेड करने के लिए गोदाम जी निश्चित ही सुपर से सुपर रेड करना होगा बलराम तभी बचेंगे इस बार नहीं तो बक्सर 786 को कर चुका है धारा साहु बनने के खिलाड़ी सही बात है छोटों का निशाना साधा है इसको बोर्ड में देखा जाए तो 7-25 इसके बाद जो मुकाबला होगा कैलारी बी वर्सेस खेतगांव सही बात है देखा जाए तो क्या लाभ आप निश्चित ही गोदाम जी कुछ कहना चाहते हैं मराठी जी उनका भी सुनना जरूरी है और कबड्डी में इतिहास बनाना जरूरी है लेकिन बनाता हुआ इतिहास को बनाता हुआ और बस धन्यवाद गोदाम जी राम जी धन्यवाद धन्यवाद श्री जी कहिए फिर निशाना आपका डायलॉग और कहीं पे निगाह इसी प्रकार आप किन नजरों का अंदाज पता नहीं कैसे आप मुझे ताड़ लिए थे मैं बाहर से ही आपका आनंद ले रहा था कोई बात नहीं मैं आपके आवाज का आनंद बाहर से ही ले रहा था मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय श्री देव सिंह सिंगराम जी और हमारे भतीजा स्वर्गीय श्री नारायण मरावी जी की स्मृति में यहाँ किया गया है और इस समिति में इस मंच में मंचासीन है हमारे मंचासी ने हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे सम्माननीय आदरणीय तुलसीराम सरस्वती जी तेजस्वी तुलसी बड़ा कर और हमारे यहाँ पर 15 पंचायतों का काम देख रहे और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय हमारे सम्माननीय और गणमान्य मान्य गांव के नागरिक रामप्रसाद उनके जी मेरे बड़े भाई बारेलाल मरावी जी और इस कार्यक्रम के प्रतियोगिता के जिम्मेदार भागवत गुरु जी इतिहास सैयाद जी और तमाम बेटे यहाँ पर सभी सम्माननीय मंच में मंचासीन अधीन और मैं अभिनंदन बंदा नारे का स्वागत कर लू आपके इस गरिमा में उपस्थिति के लिए हम अपने समिति की ओर से